सुप्रभात विद्यार्थियों, पिछले पाठ में हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था कामना। आशा करती हूँ आप सभी को वह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम हिंदी नई स्वाति का पाठ 2 पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। इस कहानी में एक राजकुमारी है जिसका नाम है स्नो वाइट और उसके साथ है 7 बौने। तो इस कहानी का नाम है स्नो वाइट और 7 बौने। यहाँ बौने का अर्थ है ऐसे लोग जिनका कद सामान्य कद से कम होता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी प्रदेश में एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, हिमालय की बर्फ की तरह सफेद, उसके होंठ गुलाब की तरह लाल थे और काले बाल रात की तरह काले। उसका नाम था स्नो वाइट। उसकी सौतेली माँ भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह घमंडी, गुस्से वाली और जादूगरनी थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच कहता था। वह आईने में झांकती और पूछती, बोल मेरे आईने, जग में सुंदर कौन है? क्या है तेरा कहना? आईना कहता, जग में सबसे सुंदर आप ही हो रानी, आपसे बेहतर कोई नहीं है रानी। यह बात सबने मानी। समय बीतता गया। रानी अपने आईने से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती, लेकिन एक दिन आईने से पूछने पर उसने उत्तर दिया, जग में सबसे सुंदर आप ही हो रानी, लेकिन आपसे सुंदर है स्नो वाइट राजकुमारी। यह बात सबने मानी। यह सुनकर रानी को क्रोध आ गया। उसने अपने विशेष सिपाही को बुलाया, उसे आदेश दिया कि वह राजकुमारी को कहीं दूर ले जाए और मार दे। सिपाही राजकुमारी को बग्घी में बिठाकर जंगल की ओर ले गया। उसे राजकुमारी पर दया आ गई। उसने उसे मारा नहीं, घने जंगलों में छोड़ दिया। घूमते घूमते राजकुमारी को एक छोटा सा घर मिला। उसने देखा कि घर के अंदर छोटे छोटे पलंग, मेज और कुर्सियां थी। वह वहीं रुक गई। यह घर बौनों का था। शाम को जब वे घर आए तो राजकुमारी को देख बहुत हैरान हुए। राजकुमारी की दुख भरी कहानी सुनकर उन्होंने उसे वहां रहने की अनुमति दे दी। राजकुमारी ने उनका धन्यवाद किया। उसने कहा कि वह घर का सारा काम करेगी, बौने काम पर चले जाते। जाने से पहले वे राजकुमारी को समझाते कि कोई भी दरवाजा खटखटाए पर वह न खोले। राजकुमारी घर का सारा काम करती। बौने तथा राजकुमारी सभी सुख से रहने लगे। एक दिन रानी ने अपने आईने से पूछा, बोल रे मेरे आईने, जग में सबसे सुंदर कौन है? क्या है तेरा कहना? आईना बोला, जग में सबसे सुंदर आप ही है रानी, लेकिन आपसे सुंदर है स्नो वाइट राजकुमारी, जो जंगल में काटे दिन रात 7 बौनों के साथ। यह सुन रानी आग बबूला हो गई। मतलब यह सुनकर रानी को और भी गुस्सा आ गया। वो पहले से और भी ज्यादा गुस्सा होने लगी। उसे लगा कि स्नो वाइट तो अभी भी जिंदा है, इसलिए
उसने स्वयं ही जाकर राजकुमारी को मारने की सोची। रानी ने सोचा कि वह जंगल में जाएगी और राजकुमारी को खुद ही मारेगी, इसलिए उसने सेब बेचने वाली का रूप धारण कर लिया। एक टोकरी में लाल लाल जहरीले सेब रखे और जंगल की ओर चल पड़ी। राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते वह बौनों के घर के सामने पहुंच गई। उसने बहुत ही मधुर आवाज में कहा, सुप्रभात बेटी। बेटी, क्या तुम स्वादिष्ट सेब लेना पसंद करोगी? उसने उसे लालच दिया कि सेब लाल लाल ताजे और मीठे हैं। पहले तो राजकुमारी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। रानी ने कहा, बेटी क्या तुम सेब खरीद कर बूढ़ी स्त्री की मदद नहीं करोगी? यह सुन राजकुमारी ने दरवाजा खोला और सेब खरीद लिए। लाल लाल सेब देख उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उसने सेब खाया, बेहोश होकर गिर पड़ी। मतलब कि जैसे ही स्नो वाइट ने वो जादुई सेब खा लिया, वैसे ही वह बेहोश होकर गिर गई। और रानी यह देखकर बहुत खुश हो गई। जब उसको बेहोश होता हुआ देखा तो वहां से वह चल पड़ी। शाम को जब बौने आए, राजकुमारी को देख रोने लगे। उन्होंने राजकुमारी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह ना उठी। निराश होकर बौनों ने उसे एक शीशे के बक्से में रखा और रोने लगे। तभी वहां से एक राजकुमार निकला। उसने बौनों से रोने का कारण पूछा। बौनों ने उसे सारी बात बताई। राजकुमार ने बक्से का शीशा उठाया और राजकुमारी के हाथ को पकड़ा। स्पर्श करते ही रानी का जादू समाप्त हो गया और राजकुमारी उठकर बैठ गई। बौने बहुत खुश हो गए। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली। दोनों महल में खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी थी ना? अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति की अच्छाई से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की अच्छाइयों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि इस कहानी में स्नो वाइट कितनी अच्छी थी और उसकी सौतेली माँ उससे हमेशा ईर्ष्या करती थी, हमेशा उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती थी और कभी वह इस प्रयास में सफल नहीं हो पाई। तो इसीलिए हमें भी कभी कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस कहानी को पढ़िएगा और आपको इस कहानी में कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।